हेलो स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे जो है वर्मा किशन, जो सिर्फ 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 आपके लिए है। तो आज कुछ अलग अंदाज में, नए अंदाज में आइए पढ़ते हैं मोमेंट का लेसन टू, द एडवेंचर ऑफ टोटो। यस, द एडवेंचर ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, और इसकी समरी बड़े शानदार अंदाज में हम लोग मिलकर करेंगे। ये कहानी नरेट करती है एडवेंचर जो नरेटर के दादाजी का है, जो एनिमल्स को बड़ा प्यार करते थे और एक टोटो नाम के मंकी को ले आए। टोटो, वाओ व्हाट अ नेम। टोटो टोटो एक टोंगा ड्राइवर के पास था। दादाजी ने 5 रुपए देके टोंगा ड्राइवर से इस टोटो को खरीदा था। वजह जानते हैं आप क्या? क्योंकि टोटो इतना दुखी लगता था, सुंदर इतना था, पर दादाजी ने देखा कि टांगे के पीछे बंदा इतना दुखी है कि दादाजी ने डिसाइड किया कि वो उसे अपने प्राइवेट जू में ऐड करेंगे। पर दादी, ओ माय गॉड, जब जब घर में कोई नया जानवर आता था, दादी जी खुद एक शेर बन जाती थी, शेरनी बन जाती थी। सो दादाजी ने डिसाइड किया कि जब तक दादी जी मान ना जाए, टोटो को घर में सीक्रेट रखा जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा। बड़ा प्यारा ही सुंदर सा बंदर था और एक्सट्रीमली मिसीवियस, इतना शरारती कि क्या बताएं। इवन नरेटर ने खुद कहा था कि अगर सच में पर्टिकुलर शरारतों के लिए कोई दिमाग बना है ना, तो वो तो सिर्फ टोटो को डिवोट है, क्योंकि टोटो स्पेशल पेट है जो इतना शरारती है, इतने मजेदार शरारती है। तो पहले दिन की बात बताएं। पहले दिन टोटो ने क्या किया? जो नरेटर है उसकी स्कूल ब्लेजर को फाड़ फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रस्सी बनाई और झूम मंतर हो गया घर की दूसरी तरफ से। तभी तो उसने कहा था। फिर दादाजी ने सोचा, इतना गंदा बंदर है, चलो इसे प्राइवेट जू में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ दूसरे एनिमल्स सारे के सारे रहते हैं। पर टोटो भाई साहब किसी को ना रात को सोने देता, ना ढंग से खाने देता, इतना बेकार। बेकार तो क्या, मतलब कहने का मतलब कि इतना शरारती सा बंदर था कि दादाजी ने डिसाइड किया कि जब वो सहारनपुर जाएंगे, क्योंकि सहारनपुर उनको जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, तो वो देहरादून जब जा रहे थे तो दादाजी ने टोटो को साथ ले लिया। हालांकि जो टोटो के साथ जो जर्नी थी, दादाजी ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। क्योंकि क्या हुआ कि पूरे ट्रिप में दादाजी ने उसे छिपा के रखा एक बोरे के अंदर, बट रेलवे स्टेशन से जब बाहर निकल रहे थे तो टिकट कलेक्टर ने उन्हें देख लिया। टोटो ने अपना मुंह बाहर निकाला और जो टिकट कलेक्टर था उसको करके डरा दिया। तो टिकट कलेक्टर ने सोचा कि ये बंदर जो है कुत्ता है, और दादाजी से बात की, बोले कि मुझे एक्स्ट्रा रुपीज चाहिए क्योंकि आप एक कुत्ते को साथ लेके आए हो, देने पड़े। फाइनली दादाजी ने टोटो को नाना के साथ रख दिया। सोचो नाना क्या है, अरे परेशान मत होइए, नाना जी जो हैं वो दादाजी के गधे हैं जो उनके स्पेशल पेट हैं। बट टोटो ने उनके कान खा लिए, उनको रहने तक नहीं दिया। क्या आराम कर ले नाना जी, क्योंकि जब तक टोटो उनके साथ हैं। तो टोटो ने क्या किया, भयंकर तरीके से उन्हें कान काटे, खूब लड़ाई उनके साथ हुई कि दादाजी बड़े परेशान हो गए कि मैं इसके साथ करूं तो क्या करूं। टोटो जो था नहाने का बड़ा शौकीन था, आप लोग नहीं नहाते मुझे पता है, पर टोटो बड़ा शौकीन था और गरम गरम पानी से नहाना, वाओ कितना अच्छा लगता था। तो वो क्या करता, सबसे पहले टेम्परेचर को चेक करता, वाटर को चेक करता, उसके बाद वन बाय वन एक पैर फिर दूसरा पैर उसके अंदर क्या करता, एंटर करता, और उसके बाद पूरे मस्ती से लक्स साबुन जो होती है वो अपने पूरे शरीर पे क्या करता है, रब कर, तो ने खुद को जला ही लिया होता है। पता है कैसे, बड़ी सी केटल चाय के लिए रखी हुई थी। नहाने का शौकीन टोटो उसके अंदर घुस गया। वो तो शुक्र है कि दादी जी आ गई और टाइम पे टोटो को बाहर निकाल दिया, नहीं तो भाई साहब उसका तो फ्राई 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 हो चुका होता। टोटो जो घर में रखना कितना मुश्किल था। एक बार दादी जी ने क्या किया, पुलाव बनाओ, और हर कोई पुलाव खाने के लिए डाइनिंग रूम में गया, लेकिन जब डाइनिंग रूम में गए तो देखा कि टोटो सारे पुलाव लेके खुद प्लेट में बैठा था और उन्हें बड़े मस्ती से खा रहा था। दादी चिल्लाई,
उसने दादीजी में प्लेट फेंक के मारी जोर से कि लेट मी ईट, मुझे खाने दो। उसके बाद जो चाची थी वो चिल्लाई, उसके ऊपर उसने गिलास फेंक के मारा, क्या बात है, मुझे खाने दो। उसके बाद पूरी प्लेट लेके पेड़ पे चढ़ गया। यहाँ बैठ के हम तो आराम से खाएंगे। बट फिर दादाजी सॉरी फैमिली नीचे खड़े होकर चिल्ला रही थी कि टोटो प्लीज कम बैक, कम डाउन। टोटो नहीं सुनी, प्लेट फेंक के मारी, इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी। ओ माय गॉड, इतनी महंगी महंगी चीजें जो टोटो तोड़ रहा था कि हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया कि टोटो को घर पे रखे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, सॉरी हम लोगों तो नहीं, दादाजी ने डिसाइड किया कि टोटो को वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि टोटो जिन चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो सो एक्सपेंसिव, इतनी महंगी है कि हमारे बस की बात नहीं है, और इनको रिप्लेस करते करते पागल हो गए। तो दादाजी ने टोंगा ड्राइवर को सर्च किया और 3 रुपीज में उसे वापिस क्या कर दिया, सेल कर दिया। सो ये थी हमारी आज की कहानी, द एडवेंचर ऑफ टोटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जस्ट स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू हेल्प योर मदर एंड फादर। हैव अ गुड डे, बाय बाय 9th क्लास।